आईएसपीसीएस बाय एग्जामपुर और एग्जामपुर आरओ आरओ की परीक्षा के लिए आर पार का पैच प्रखर पैच लेकर आया है जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा तो देर बिल्कुल मत कीजिए आज ही आप डाउनलोड कीजिए एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप और जीरो के कूपन का प्रयोग करकर शुल्क में पाइए पचास प्रतिशत की छूट और किसी भी अन्य जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पे आप संपर्क कीजिए धन्यवाद जय हिंद दोस्तों यदि आप भी आरो की परीक्षा को क्वालिफाई करके एक सम्मानित जीवन जीने का सपना देख रहे हैं तो अब देर बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि आई एस पी सी एस बाई इपुर और एग्जामपुर आर ओ आर ओ की परीक्षा के लिए आर पार का पैच प्रखर पैच लेकर आया है जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा तो देर बिल्कुल मत कीजिए आज ही आप डाउनलोड कीजिए एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप और आर ए फाइव जीरो के कूपन का प्रयोग करकर कर शुल्क में पाइए पचास प्रतिशत की छूट और किसी भी अन्य जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पे आप संपर्क कीजिए धन्यवाद जय हिंद दोस्तों हेलो स्टूडेंट्स सब एग्जामपुर करम से क्रांति मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में आई एस पी सी एस बाई एग्जामपुर में स्वागत गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बज चुकी है सुबह के दस और जैसा कि आप लोगों को पता है कल से हमारी आर ओ ए आर ओ के लिए डेमो क्लासेस कंप्यूटर की स्टार्ट हो चुकी हैं जो ठीक सुबह दस बजे शुरू होती हैं तो जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट आ जाएंगे एप्लीकेशन वाले भी आ चुके हैं और भाई जो यूट्यूब वाले हैं वो लोग भी जल्दी से फटाफट से आ जाएं और एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दें ताकि और लोग भी आ सकें और ऐसे नहीं छोड़ने वाली पहले मैं स्टार्टिंग में टेस्ट लूँगी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को कल पढ़ाई हैं पहले उसका होगा टेस्ट और उसके बाद आगे चलेंगे ठीक है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है सभी का एप्लीकेशन वाले बच्चों का भी यूट्यूब वाले बच्चों का भी सभी का जो जो जहाँ से देख रहे हैं, ठीक है थीके? चलो क्लास को शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोगों को पता है आर ओ का प्रखर बैच लॉन्च किया गया है तो एग्जांपल लेकर आया आप लोगों के लिए आरओ या आरओ का प्रखर बैच समीक्षा अधिकारी या रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर इसको कहा जाता है इस बैच के अंदर आपको क्या-क्या चीजें दी जाती हैं क्या-क्या फैसिलिटीज आप लोगों को मिलती हैं आपको मिलेगी चार से छह घंटे की डेली लाइव क्लासेस क्लासरूम पे जो टीचर लिखवाता है उसकी पीडीएफ जैसे कल मैंने पूरी चीजें लिखवाई उसकी पीडीएफ एप्लीकेशन पर गई थ्योरी पीडीएफ अलग से अगर हमें लगता है कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है आपको पता होनी चाहिए तो वो दी जाती है टॉपिक वाइज आपको क्विज करवाए जाएंगे चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके क्विज होने स्टार्ट हो जाएंगे जूम मीटिंग पर आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे अगर आपकी बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिससे आप परेशान हैं तो आप वो वाया जूम मीटिंग हमसे पूछ सकते हैं एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको हर एक सब्जेक्ट में दी जा रही है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए तो नॉर्मली अगर आप आर ओ ए आर ओ के लिए कोई बुक भी परचेज़ करते हो तो डेफिनेटली बहुत भारी भरकम प्राइस में आती है लेकिन ये बैच है आपका 4999 चार हजार नौ सौ का लेकिन जब आप इस पर कूपन कोड लगाओगे आर ए फिफ्टी जब इस पर कूपन लगाया जाएगा आर ए फिफ्टी तो 50 परसेंट का डिस्काउंट आपको इस कोर्स पर मिलता है ठीक है तो लगभग ढाई हजार के आसपास ये कोर्स आपका पड़ेगा इसकी अभी डेमो क्लासेस चल रही है कल से स्टार्ट हो चुकी है डेमो आप लोग देख ही रहे हो ये डेमो क्लासेस के बाद से क्लास आपकी एप्लीकेशन पर चलेंगी तो इसलिए जो भी बच्चे इसको लेना चाहते हैं सभी बच्चे एप्लीकेशन से जुड़ जाइए ताकि डे वन से अपनी प्रिपेशन को स्टार्ट कर सकें अच्छे तरीके से ठीक है इसी के साथ ऑल इंडिया रैंक यूपीएसआई का एक टेस्ट होने वाला है जो कि कल होगा सुबह आठ बजे तो अगर आप में से कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और इस टेस्ट को लेकर देखना चाहता है कि वो कौन से रैंक पर आता है तो ये टेस्ट आप ले सकते हो सुबह आठ बजे है बारह सितंबर रविवार को पहले जो फर्स्ट आएंगे उनको मिलेगा ग्यारह सौ रुपये की राशि जो सेकंड आएंगे सात सौ रुपये की राशि दी जाएगी और जो थर्ड आएंगे उनको पाँच सौ रुपये की राशि मिलेगी एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर 12 तारीख को ये होने वाला है उसके बाद उत्तर प्रदेश लेखपाल का एक ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है अगेन इसमें भी जो टॉप हंड्रेड स्टूडेंट होंगे उनको लेखपाल का कोर्स फ्री दिया जाएगा ठीक है चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को जो कि हमारी रहने वाली है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जिसमें कंप्यूटर के आकार कंप्यूटर का, का काम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और भी बहुत सारी चीज़ों को आज करने वाले हैं ठीक है हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है अगर आप हर दिन छोटे छोटे बदलाव करते हो तो कुछ टाइम बाद आपको एक बहुत बड़ा चेंज अपने अंदर देखने को मिलेगा चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर लेकिन उससे पहले आपका होगा एक छोटा सा टेस्ट कल जो चीजें आपने पढ़ी कहीं वो पढ़ के भूल तो नहीं गए अच्छे से पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी तो अब उस टेस्ट की बारी है आंसर सबको करना है चाहे आप एप्लीकेशन से देख रहे हो चाहे आप यूट्यूब से देख रहे हो पहला क्वेश्चन 1837 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा चार्ल्स बेबेज के द्वारा कौन सा इंजन बनाया गया कौन सा इंजन बनाया गया बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा कौन सा इंजन बनाया गया आंसर बताना है फटाफट से क्या होगा बताइए पीडीएफ अपलोड होने में टाइम लगता है नहीं मैंने तो शायद दे दिया था ज... अरे जल्दी दे दिया था भाई चलो एक घंटे में दे दूंगी अब ओके एक घंटे में पीडीएफ आपको मिल जाएगी थोड़ा टाइम इसलिए लगता है जैसे क्लास ओवर होती है अभी कुछ पानी वानी पीते हैं है ना बट मिल जाएगा फिक्र मत करो देखो कोई डिफरेंस इंजन बोल रहा है अभी अभी बताते रुको आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा एप्लीकेशन वाले बच्चे तो फिर भी कर रहे हैं यूट्यूब वाले तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं बताओ जरा जल्दी से भाई Notes नहीं पलट के देखने हैं बताओ फटाफट फड़ से किसका आविष्कार किया था एनालिटिकल वेरी वेरी गुड आना स्टार्ट हो चुका है बच्चों का बिल्कुल सही 1837 के टाइम में चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया था एनालिटिकल इंजन जिसकी वजह से चार्ल्स बेबेज को पापा बोला जाता है कंप्यूटर का क्योंकि ये ऐसे काम करता है और इसी के तर्ज पर हम आज अपने कंप्यूटर में काम कर पा रहे हैं इनपुट प्रोसेस और बाद में मिल जाता है हमें आउटपुट ठीक है चलो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेकेंड दूसरा क्वेश्चन है वी एल एस आई कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में इस्तेमाल की गई वी एल एस आई कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में यूज की गई बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन ले लो पहली जनरेशन दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन चौथी जनरेशन बताइए क्या आंसर होगा बिल्कुल कौन सी फोर्थ जनरेशन वेरी गुड वेरी गुड बताओ बताओ जल्दी से फोर्थ जनरेशन इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा वीएलएसआई की फुल फॉर्म हो जाती है वेरी लार्ज स्केल वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट और इसका इस्तेमाल फोर्थ जनरेशन में किया गया था कौन सी पीढ़ी में चौथी पीढ़ी में किया गया था चौथी पीढ़ी कब से कब तक चली 1975 से 1989 तक चली थी क्लियर है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आते हैं मैं वही क्वेश्चन करवा रही हूं जो आते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन देखो थर्ड वन तीसरा क्वेश्चन यदि दिया जाए आपको कुछ इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखेंगे थर्ड अगर क्वेश्चन दे दिया जाए आपको पहली माइक्रो प्रोसेसर की चिप कौन सी कंपनी के द्वारा बनाई गई थी पहली माइक्रो प्रोसेसर और क्या नाम था उसका पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सी कंपनी कौन सी कंपनी और किस नाम की बनाई गई थी और किस नाम से और किस नाम से बनाई गई थी बताइए क्या आंसर होगा इसका बनाई गई थी क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए क्या हो जाएगा पहली माइक्रोप्रोसेसर चिप कब बनी थी वो तो पता ही है बनी कब थी भाई कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में बनाई गई थी लेकिन कौन सी कंपनी ने बनाई थी हाँ फोर्थ तो बनी थी किस कंपनी ने इंटेल वेरी गुड और इंटेल फोर थाउजेंड फोर इंटेल कंपनी के द्वारा बनाई गई थी और उस चिप का नाम था चार इसका मतलब चलो कल पढ़ा तो था एक और क्वेश्चन करो फिर इसी बात पर <coughs> एक और क्वेश्चन करना ठीक है एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है आपको बताना है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के फादर कौन है फादर ऑफ आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के फादर कौन है बताइए हिंदी में इसको बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमता कृत्रिम बुद्धिमता के पापा किसको कहा जाता है इसके बाद आपको बताना है कि आईसी कौन से धातु की बनी होती है आईसी को बनाने के लिए कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है बताइए आईसी को बनाने के लिए कौन से धातु का इस्तेमाल किया, किया जाता है तो करते हैं पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पापा कौन थे जॉन मैकार्थी वेरी गुड क्या नाम था इनका आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के पापा है जॉन मैकार आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी कृत्रिम बुद्धिमता इंसानों की तरह बोलना इंसानों की तरह सोचने वाली टेक्निक इसके ऊपर पहली रोबोट बनाई गई थी सोफिया हांगकांग के देश के द्वारा बनाई गई थी और आगे चलकर सऊदी अरेबिया के द्वारा इसको नागरिकता भी प्राप्त है भारत के द्वारा बनाया गया रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहला उसका नाम था मानव और लेटेस्ट व्योम मित्र जिसको गगन यान मिशन पर भेजे जाने के लिए तैयार किया गया क्लियर आईसी कौन सी धातु की बनी होती है तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप सिलिकॉन धातु की बनी होती है बाकी क्वेश्चंस पूछूंगी बाद में अभी क्लास को करते हैं शुरू ठीक है चलो क्लियर है चलो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज के चैप्टर को वही चलेगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर की बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीज़ें है ना कंप्यूटर क्या है ये तो हम कल समझ चुके थे आज हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इसके अंदर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर टाइप ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं तो कंप्यूटर को बेसिकली दो भागों में बांटा जाता है कंप्यूटर के प्रकार को भी दो भागों में बांटा जाता है एक कंप्यूटर के काम के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क हाउ मेनी टाइप ऑफ कंप्यूटर आर देयर एंड सेकेंड वन इज अकॉर्डिंग टू देयर साइज मतलब अगर मैं बोलूं उनके आकार के आधार पर कितने कंप्यूटर होते हैं तो कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं वो डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहे हो उनके साइज के अकॉर्डिंग या काम के अकॉर्डिंग चलिए आगे चलो काम के अकॉर्डिंग कंप्यूटर होते हैं तीन प्रकार के कौन कौन से अगर आपको कोई दाब मापना है कोई फिजिकल भौतिक वस्तुओं का मापना है भौतिक वस्तुओं का क्या करना है आपको अगर आ, मतलब उनको मापन करना है उनका मेजरमेंट करना है तो इस्तेमाल किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर का किसका इस्तेमाल किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर का जैसे भूकंप को मापना जैसे तापमान को मापना कितने टेम्परेचर है जैसे दाब प्रेशर को मापना तो यहां पर हम एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं दूसरे होते हैं जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फोन है लैपटॉप है हम जितनी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं वो कहलाते हैं डिजिटल कंप्यूटर वो कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं तो वो कहलाते हैं डिजिटल कंप्यूटर ठीक है डिजिटल कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो ये आंकड़ों पर काम करते हैं आंकड़ों पर आंकड़ों पर काम करने वाले सम करते बाइनरी नंबर पर चलते हैं जीरो वन वन जीरो आते हैं तीसरे प्रकार के कंप्यूटर जिनको बोला जाता है हाइब्रिड इसके बाद आते हैं तीसरे प्रकार के कंप्यूटर जिनको हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है अच्छा हाइब्रिड का मतलब क्या होता है तो हाइब्रिड का मतलब होता है जिसमें डिजिटल कंप्यूटर के भी गुण हैं प्लस जिसमें एनालॉग कंप्यूटर के भी गुण है जिसमें दोनों गुण है वो क्या कहलाते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर इसका एग्जाम्पल है ईसीजी की मशीन दिल की धड़कन जो दिखाती है धक 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 वो वाली पेट्रोल पंप पे जो इस्तेमाल किया जाता है आप डालते हो भैया दो सौ रुपये का पेट्रोल डाल दो वो दो सौ रुपये वहां पर दबाते हैं और उतनी प्रेशर से पेट्रोल निकलता है और फिर बंद हो जाता है वो भी आपका हाइब्रिड कंप्यूटर ही कहलाएगा क्लियर चलो और अगर मैं इसको साइज के अकॉर्डिंग बांटती हूं तो नंबर वन पे सबसे बड़े साइज के कौन से कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े साइज के कौन से कंप्यूटर होते हैं तो सबसे नंबर वन पर आएंगे सबसे बड़े साइज के सुपर कंप्यूटर दूसरे नंबर पर आते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर दूसरे नंबर पर कौन से कंप्यूटर आएंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर तीसरे नंबर पर आते हैं आपके कौन से मिनी कंप्यूटर तीसरे नंबर पर आते हैं मिनी कंप्यूटर और चौथे नंबर पर आते हैं सबसे छोटू मोटू हमारे माइक्रो कंप्यूटर चौथे नंबर पर आते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्लियर है तो ये बेसिकली चार प्रकार के कंप्यूटर साइज के अकॉर्डिंग होते हैं अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग देखना मैम कमेंट नीचे करना ठीक है बिल्कुल अब देखा जाएगा कि भाई क्वेश्चन पूछा किस आधार पर जा रहा है आपसे तो ये तो आप समझ गए एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं डिजिटल क्या होते हैं हाइब्रिड क्या होते हैं बात करते हैं हम इनके साइज के आधार पर जब बांटा जाएगा तो ये कैसे कैसे होंगे सबसे पहला पॉइंट लिखो यहाँ पर जब साइज के अकॉर्डिंग हम इसको बांटते हैं मतलब आकार के आधार पर जब कंप्यूटर को बांटा जाता है ठीक है नंबर वन हमने पढ़ा कौन से सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी विशेषताएं हैं तो उसको भी साथ में लिखना और आज मेरे पास टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन भी है मैं उसको भी करवाऊंगी कि कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे सबसे बड़े कौन से कंप्यूटर होते हैं तो सबसे बड़े साइज के होते हैं सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े साइज के कौन से कंप्यूटर होते हैं तो वो होते हैं सुपर कंप्यूटर क्लियर है देखो अभी यहां पर इसके बारे में नंबर वन ये सबसे बड़े आकार के होते हैं ये सबसे बड़े आकार के होते हैं नंबर टू इनका इस्तेमाल बड़े बड़े वैज्ञानिक या फिर बड़े बड़े गणितज्ञों के द्वारा किया जाता है हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते सुपर कंप्यूटर कि मम्मी चलो सुपर कंप्यूटर दिला दो नहीं बहुत लाखों करोड़ों में आते हैं और इसका इस्तेमाल या तो साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है या फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है जो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस होते हैं जब कोई उपग्रह छोड़े जाते हैं तो उसके बारे में कैलकुलेशन करना होता है तो वहां पर भी होता है तीसरी चीज सुपर कंप्यूटर के अंदर और क्या क्या चीजें विशेषताएं है होती हैं? तो सुपर कंप्यूटर की अगर मैं बात करती हूं तो पहला सुपर कंप्यूटर विश्व का यहां पर लिख लेना विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर उन्नीस में बनाया गया उसका पहले नाम था सी डी सी सिक्स सिक्स जीरो आगे चल के उसका नाम रख दिया गया क्रेवन और उसको किसके द्वारा बनाया गया तो सैम्यूर क्रे नाम के व्यक्ति के द्वारा सैमुअल क्रे नाम के व्यक्ति के द्वारा इस कंप्यूटर को बनाया गया था क्लियर है इसके बाद अगर पूछा जाए आपसे कि हमारे प्यारे से देश भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में बनाया गया था और नाम था उसका परम 8000 जिसको आ, क्या नाम था उनका विजय पांडुरंग भाटकर जिसको पुणे में विजय पांडुरंग भाटकर की निर्देशिका में किसकी निर्देशिका में तो विजय पांडुरंग भाटकर की निर्देशिका में बनाया गया ये डायरेक्टर थे उस टाइम पर कहा के सीडेक कंपनी के कौन सी कंपनी से तो सीडेक कंपनी से थे अच्छा सीडेक की फुल फॉर्म में पूछेगा सीडेक एक पुणे की कंपनी है सीडेक की फुल फॉर्म हो जाती है कम्... सेंटर फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग क्लियर है क्लियर बस ये पूरी की पूरी चीजें जो आपको एक एक चीज याद होनी चाहिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ठीक है ये होता है पूरा का पूरा सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे कमरे जितने बड़े अभी भी होते हैं खैर ठीक है सुपर कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मापा जाता है फ्लॉप्स में फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड एक सेकेंड में कितने छोटे छोटे बिंदु को कैलकुलेट किया जा रहा है क्लियर है डेली टेस्ट होगा बिल्कुल होगा जो चीज मैं पढ़ाऊंगी अगले दिन उसका टेस्ट लूंगी हाँ जी बिल्कुल डेली टेस्ट होगा ठीक है चलो आगे चलें चलो तो ये पूरी की पूरी चीजें होती हैं इसके बारे में कुछ पूछना है कहीं से भी तो पूछ लेना डेट याद रखना इसलिए मैंने लिखवाई है क्योंकि डेट पूछी जाती है भाई कोई चीज़ पहली बार बनी है पूछेंगे नहीं चलो आगे चलें आगे चले हो गया इतना चलो वेरी गुड नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं कौन से कंप्यूटर दूसरे नंबर पर आते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर दूसरे नंबर पर कौन से कंप्यूटर आते हैं तो दूसरे नंबर पर आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है तो नंबर वन इसका इस्तेमाल इसका इस्तेमाल एक सर्वर कंप्यूटर के तौर पर एक सर्वर एक सर्वर की तरह किया जाता है एक सर्वर की तरह किया जाता है अब ये सर्वर क्या होता है यहाँ पर ये भी चीज इंपॉर्टेंट है भाई सर्वर किसको कहते हैं तो सर्वर का मतलब होता है सेवा देने वाला सेवा देने वाला अब इसको आप कैसे समझोगे एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगी, उससे आप बहुत अच्छे से रिलेट करके समझ लोगे। जैसे हम लोग अपने मोबाइल फोन के अंदर यूट्यूब ओपन करते हैं करते हैं हमारा जो मोबाइल फोन है वो सेवा लेता है तो उसको क्या बोलते हैं क्लाइंट क्लाइंट क्या होता है सेवा को लेने वाला सेवा को लेने वाला क्या कहलाता है क्लाइंट कहलाता है ठीक है भाई हम यूट्यूब ओपन करते हैं तो हमारा फोन हो जाएगा क्लाइंट जैसे आपने YouTube को ओपन करना चाहा तो जो YouTube भैया जी के सर्वर थे मतलब कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर YouTube ने अपनी सारी मेमोरी स्टोर कर रखी है उसी को YouTube का सर्वर कहा जाता है जापान से जितने लोगों ने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं यूट्यूब में अमेरिका से जितने लोगों ने कर रखी हैं ऑस्ट्रेलिया से जितने लोगों ने कर रखी हैं भारत से जितने लोगों ने कर रखी हैं सबका एक सर्वर बना दिया ठीक है आपने जैसे कोई वीडियो ओपन करनी चाहिए तो सर्वर के द्वारा ही वो वीडियो आपका आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस चेक करने के बाद आपके फोन पर चलती है अभी आपने वीडियो खोली है ना यूट्यूब पर जितने बच्चे देख रहे हैं आप कनेक्ट हो सर्वर से अगर यूट्यूब का सर्वर बोल देता नहीं नहीं तो पेज आ जाता पेज नॉट फाउंड फोर फोर की एरर आ जाती क्लियर है तो सर्वर क्या होता है सर्वर होता है सेवा को देने वाला सेवा देने वाला क्लियर तो ये इसी सर्वर की बात की जा रही है इसी सर्वर को मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है क्लियर है समझ में आई सारी चीजें चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो पहला सर्वर कौन मतलब पहला कंप्यूटर कौन सा था तो पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर उन्नीस सौ इक्यानवे में बनाया गया और नाम था उसका यूनिवेक यूनिवैक की फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसको उन्हीं दोनों व्यक्तियों ने बनाया जिन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था इन शॉर्ट यूनिवेक कंप्यूटर को दो व्यक्तियों के द्वारा मिलकर बनाया एक का नाम था जे प्रस्पर एकर्ट और दूसरे व्यक्ति थे जॉन मोकले इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा इस कंप्यूटर को बनाया गया क्लियर है चले आगे लिख रहे हो ना नहीं नहीं परम आठ हजार था परम दस हजार कौन बोल रहे देखो परम की ना सीरीज है मैं आपको बताती हूँ प्रत्युष की भी सीरीज है परम की भी सीरीज है परम जो आप हजार बोल रहे हो ना ये परम जो दस हजार बोल रहे हो ये आठ हजार के बाद आया था अच्छा आठ हजार पहले आता है दस हजार आता है ठीक है स्टार्टिंग तो आठ हजार से हुई थी लेकिन इसके बाद दस हजार को बनाया गया था दोनों सुपर कंप्यूटर हैं लेकिन पहला सुपर कंप्यूटर परम आठ हजार ही था ठीक है चले आगे हाँ जी बिल्कुल तभी पढ़ाया जाता है आएगा है ना चलो आगे चलते हैं चीज हो गई क्लियर नेक्स्ट तीसरा देखो थर्ड कंप्यूटर आता है इसमें मिनी कंप्यूटर तीसरा कौन सा कंप्यूटर आता है तो तीसरा कंप्यूटर आता है इसमें मिनी कंप्यूटर क्लियर थर्ड वन तीसरा कंप्यूटर क्या आ जाएगा मिनी कंप्यूटर आ जाएगा अच्छा इसमें ज्यादा कुछ लिखने का नहीं है जो जो पॉइंट है मैं वो लिखवा दूंगी पहला पॉइंट बहुत से बहुत बहुत सारे डेटा को बहुत सारे डेटा को स्टोर करने के लिए हिंदी में होगा संग्रहित बहुत सारे डेटा को स्टोर या संग्रहित करने के लिए करने के लिए मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है किसका मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है क्लियर है पहला मिनी कंप्यूटर कब आया था और कौन सा था तो यहां पर लिखना इस पे विवाद है कि कब आया था तो ये पूछता है बस कौन सा था पहला मिनी कंप्यूटर पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है तो ये है पी डी पी एट पी डी पी एट क्लियर है बेसिकली इसका इस्तेमाल डेटा बेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है डेटा बेस को स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं डेटा बेस क्या होता है एक जैसे डेटा को स्टोर करके रखने के लिए जैसे इसका इस्तेमाल कहां होगा कौन कौन से सेक्टर में होता है तो रेलवे अब भाई देखो कोरोना के चलते बहुत कम हो गई और पता है ट्रेन बिल्कुल टाइम पर चल रही है मेरे को एक जगह जाना था मैंने सोचा भाई भारतीय रेल थोड़ी सी लेट हो जाएगी बट वो चार बजे की ट्रेन थी चार बजे ही चलती थी रेलवे के पास अपना एक डेटा बेस होता है मिनी कंप्यूटर्स को कहते हैं अब ट्रेन से सोचो एक दिन में कितने लाखों करोड़ों लोग ट्रेवल करते हैं अगर आप देखोगे ना मुंबई में लथ लथ के जाते हैं उसमें ट्रेन पे देखा है आपने वो वीडियो आप दिल्ली की बात कर लो दिल्ली लोकल ट्रेन में चले जाओ शालीमार में चले जाओ इतने लोग उसमें इतने लोग लगे पड़े रहते हैं वो भी चार बजे चलती है दिल्ली से मतलब रेलवे के पास बहुत सारा डेटा है कि एक दिन में कितने लोग कहाँ से कहाँ गए दिल्ली से कितने लोग जम्मू गए कौन क्या -क्या, क्या क्या उनका पूरा डेटा है कब उनको आनी है वापसी अगर राउंड ट्रिप दिल की है कितने लोग एसी के फर्स्ट उसमें बैठते हैं टीयर में कितने लोग सेकंड एसी में बैठते हैं कितने लोग स्लीपर में जाते हैं पैसेंजर वाले तो क्या टिकट लेते ही नहीं हैं तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स कहाँ रखता है रेलवे संभाल के अपने डेटा में और डेटा बेस कहाँ होता है मिनी कंप्यूटर के पास इसका इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंटल स्कीम के लिए भी सरकार भी इसका इस्तेमाल करती है कैसे अब सरकारी विभाग में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है ठीक है हजारों के नंबर में वैकेंसी निकली पर लाखों लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया अब उन लाखों लोगों का डेटा कहाँ होगा कुछ ऐसे एग्जाम है जो दो में निकले थे पर उनका एग्ज़ाम हुआ दो में तो चार पाँच साल तक वो डेटा कहाँ रखा गया सरकार ने संभाल के रखा तभी तो खोया नहीं किसी का डेटा तो वो डेटा भी सरकार ने कहाँ रखा अपने डेटा स्टोर में जिसको मिनी कंप्यूटर के अंदर रखा गया था क्लियर ऐसी एयरलाइन होती है ऐसे ही आपकी एयरलाइंस होती है बहुत सारी जहां पर भी डेटा को रखते हैं ठीक है बैंक हो गई एयरलाइंस हो गई गवर्नमेंट हो गई बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहां पर काफ़ी डेटा को इकट्ठा करके रखा जाता है वहां पर हम मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं समझ गए हो कि अब आप लोग जहाँ तक मुझे लगता है ठीक है हाँ तालिबान पर एरोप्लेन पे भी देखो वो ना बहुत भयंकर स्थिति थी मैं मुझे क्या कमेंट तालिबान वाली तो वो तो हमें देख थोड़ा सा हंसते हैं लेकिन सोचो कितना कितना उनके ऊपर गुजरा होगा कि वो लोग एरोप्लेन पर अटक कर जा रहे हैं कितने लोग इतनी ऊंचाई से नीचे गिर गए थे भाई एरोप्लेन पे जाओगे तो हवा टकराती है पता है बादलों से ऊपर ऐसे थोड़ा ना जाता है संताप मंडल पर ऐसे थोड़ी ना उड़ता है तो हवा टकराती है और कितने लोग वहीं से नीचे गिर गए थे पर ये चीज बता दी कि भाई एरोप्लेन पर ऊपर भी चढ़ के जाया जा सकता है चलो आगे चलते हैं माइक्रो कंप्यूटर कंप्यूटर किनको कहा जाता है तो सबसे पहले तो ये साइज में सबसे छोटे होते हैं इनका आकार क्या होता है इनका आकार सबसे छोटा होता है इनका साइज सबसे छोटा होता है तो नंबर वन यहां पर लिखेंगे आकार में आकार में सबसे छोटे कंप्यूटर आकार में सबसे छोटे कंप्यूटर कौन से होते हैं तो ये होते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर क्लियर जिनका इस्तेमाल जिनका इस्तेमाल जिनका इस्तेमाल व्यक्तिगत तौर पर पर्सनल यूज के लिए व्यक्तिगत तौर पर यह लिख सकते हो आप पर्सनल यूज के लिए किया जाता है पर्सनल यूज ऑफिस में मीटिंग में और भी जगह किया जाता है क्लियर है मतलब इन शॉर्ट हम लोग जो कंप्यूटर चलाते हैं ना हम लोग लोग मैं चला रही हूँ आप चला रहे हो ऑफिस में सभी लोग चला रहे हैं हम लोग जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर पर्सनल कंप्यूटर पीसी इसी का एग्जाम्पल है लैपटॉप इसी का एग्जाम्पल है टैबलेट इसी का एग्जाम्पल है टैब नोटबुक इसी का एग्जाम्पल है और क्या होता है पाम टॉप इसी का एग्जाम्पल है स्मार्टफोन इसी का एग्जाम्पल है तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं क्लियर इसमें से बस एक ही क्वेश्चन है जो मेजरली पूछा जाता है पूछा जाएगा भी लैपटॉप के पापा जी का नाम क्या है हु इज द फादर ऑफ लैपटॉप लैपटॉप के जन्म किसने किया तो इनका नाम था ऑसबॉन ऑसबॉन नाम के व्यक्ति के द्वारा लैपटॉप का आविष्कार किया गया था क्लियर है ठीक है ऐप का कमेंट पढ़ा जा रहा है ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐप का कमेंट नहीं पढ़ा जा रहा है बताओ नीचे का दिख नहीं रहा कूपन कोड की वजह से हम्म स्मार्टफोन तक तो दिख रहा होगा चलो अब मैं नीचे नहीं लिखूंगी थोड़ा सा ऊपर लिखूंगी सनी जी इंग्लिश हिंदी दोनों यूज कर रही हूं देखो मुझे नहीं लगता कि मैंने पर्टिकुलर केवल हिंदी लिखी होगी या हिंदी इंग्लिश ही लिखी होगी दोनों जरूरी है मैं आपको बताती हूँ क्यों क्योंकि कंप्यूटर में ना कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हिंदी इतनी भयंकर दे देगा कि उसमें उलझ जाते हैं तो दोनों चीजें मिक्स करके पढ़ो ताकि आप समझ तो जाओ कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है क्लियर है चले आगे भाई हो गया बताओ फटाफट -फड़ से हा ठीक है हाँ दोनों जगह के कमेंट पढ़े जा रहे हैं मैं दोनों ओपन कर रखे मैंने यूट्यूब एप्लीकेशन भी चलिए तो ये होती है इसकी बात तो ये सारे हमने कंप्यूटर पढ़ लिए अब क्या चीजें आती है अब कुछ पॉइंट आते हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जाता है पूछा जाता है क्वेश्चन कौन से कंप्यूटर को कौन से कंप्यूटर को कंप्यूटर के ग्रैंडफादर के रूप में जाना जाता है कौन से कंप्यूटर को कंप्यूटर के ग्रैंडफादर कहा जाता है बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर कौन से कंप्यूटर को कंप्यूटर के ग्रैंड फादर कहा जाता है दादाजी कंप्यूटर की बात की जा रही है क्या मेन फ्रेम कंप्यूटर को कहते हैं सुपर कंप्यूटर को कहते हैं मिनी कंप्यूटर को कहते हैं माइक्रो को कहते हैं तो किस कंप्यूटर को कंप्यूटर का ग्रैंड फादर कहा जाता है तो जाहिर सी बात है जो सबसे पुराने हैं वही दादाजी होंगे सुपर कंप्यूटर को कंप्यूटर का ग्रैंड फादर कहा जाता है इसी तर्ज पर एक और क्वेश्चन है आपका कौन से कंप्यूटर को कौन से कंप्यूटर को कंप्यूटर के फादर के रूप में जाना जाता है कंप्यूटर के फादर के रूप में जाना जाता है कंप्यूटर के पापा कंप्यूटर की ही फॉर्म में कौन है तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को कंप्यूटर के पापा कहा जाता है किसको मेन फ्रेम कंप्यूटर को कंप्यूटर के पापा कहा जाता है तीसरा क्वेश्चन तीसरा आगे लिखूंगी क्योंकि नीचे का नहीं दिख रहा ना तो यहीं तरफ रखेंगे हाँ सुपर दोनों याद रखना मैम छोटा दिख रहा है नहीं भाई मैंने लिखा तो थो थोड़ा बड़ा है चले आगे ओके आगे देखो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या पूछा जाएगा तीसरा क्वेश्चन यहां पर क्या पूछ सकता है आपसे एक तो यही पूछ लेगा भाई सुपर कंप्यूटर की स्पीड सुपर कंप्यूटर की गति को या सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किसमें मेजर किया जाता है क्या यूनिट होती है उसको मेजर करने की किसमें मेजर किया जाता है बताओ एक और क्वेश्चन पूछ सकता है विश्व का विश्व का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है विश्व का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है बताओ क्या होगा एक और पूछ सकता है भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है बताइए जरा क्या क्या होगा इसका आंसर बताने फटाफट से सुपर कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता है तो फ्लॉप में मापा जाता है पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है तो फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड क्लियर है विश्व का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो फू गाकू जापान के फूफा जी से याद किया था याद है फू इसको 2020 में जापान के द्वारा बनाया गया था ठीक है भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो प्रत्यूष और मिहिर प्रत्यूष और मिहिर भारत के दो सुपर कंप्यूटर है लेटेस्ट और इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है मौसम की जानकारी का मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए इन सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है भारत वन ऑफ द मोस्ट सटीक मैंने बंद हो गया कमेंट देखना ठीक है भारत आपका वन ऑफ द मोस्ट कहते ना उसे एकदम सटीक मौसम की जानकारी देने वालों में से एक है टॉप टेन के अंदर आता है फॉर वेदर फॉरकास्टिंग क्लियर है हाँ बिल्कुल देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ज्योति जी बिल्कुल देख सकते हो ठीक है प्रत्युष और महिर तो ये कुछ चीजें थी जो आपकी डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ टॉप 20 क्वेश्चंस विथ फुल डिटेल इसमें कुछ वो क्वेश्चन होंगे जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं इसमें कुछ वो भी क्वेश्चन होंगे जो मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं तो जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए वो तो आप बड़े अच्छे से समझ लोगे और जो मैंने नहीं पढ़ाए हैं वो मैं आपको समझा दूंगी ठीक है करें शुरू ठीक है चलो करें तो करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के साथ शुरुआत क्वेश्चन नंबर वन क्या दे रखा है पीडीएफ आपको मिलेगी बिल्कुल पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी तो पीडीएफ आपको ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिलेगी ठीक है तुरंत मैं मुश्किल से आपको बताऊं अगर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मैं मुश्किल से एक घंटे भी पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी सिलिकॉन क्रिस्टल से ट्रांजिस्टर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये सारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है जब सिलिकॉन के क्रिस्टल से ट्रांजिस्टर या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को बनाया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं डॉम्पिंग कहते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं डॉम्पिंग कहते हैं है? है. याद रखना जब सिलिकॉन चिप को पिघलाकर उसके क्रिस्टल से ट्रांजिस्टर या फिर आईसी चिप बनाई जाती है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे डॉम्पिंग बोलेंगे बाकी मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी नेटवर्किंग तभी चीजें क्लियर हो जाएंगी लैन क्या होता है मैन क्या होता है वैन क्या होता है ठीक है इसके लिए कोडिंग भी की जाती है खैर अलग चीज़ है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया हुआ है पढ़ना है बताना है इसका आंसर क्या होगा एक कंप्यूटर वायरस द्वारा हार्ड डिस्क के किस हिस्से को प्रभावित करने पर हार्ड डिस्क पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाती है विच पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क इज़ अफेक्टेड बाय अ कंप्यूटर वायरस वेन द हार्ड डिस्क इज़ कंप्लीटली डिसेबल्ड इनमें से किस जगह अगर वायरस पहुंच जाएगा कंप्यूटर का वायरस जो इंटरनेट से आ जाता है जब आप पेन ड्राइव से लेकर आते हो कोई चीज़ अपने फ्रेंड के यहाँ से तो उसमें उठकर आ जाता है तो कौन से हिस्से में अगर वायरस पहुंच जाएगा तो पूरी की पूरी हार्ड डिस्क खत्म किसके अंदर तो रूट डायरेक्टरी के अंदर सॉरी बूट रुकना एक मिनट बूट सेक्टर के अंदर करना इसे रूट डायरेक्टरी नहीं होगा बूट सेक्टर के अंदर होगा ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा बूट सेक्टर के अंदर बूट सेक्टर क्या होता है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है और इस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं बूटिंग बायोस चिप से की जाती है बेसिक इनपुट आउटपुट चिप की मदद से बूटिंग की प्रक्रिया काम करती है और जब आप बूटिंग करते हो तो आपका जो भी मेटीरियल है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हो जाता है तभी हार्ड डिस्क के लिए डी ड्राइव बनाई जाती है तभी हार्ड डिस्क के लिए डी ड्राइव बनाई जाती है क्लियर है हार्ड डिस्क के लिए क्या होती है डी ड्राइव बनाई जाती है तो अगर बूट सेक्टर में चला जाएगा वायरस तो इसका मतलब सारी नैया पार भाई बूट सेक्टर में वायरस चला गया ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ गया ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ गया हार्ड डिस्क उड़ गई फिर कोई भी चीज आपको मिलेगी नहीं दिक्कत परेशानी आ जाएगी है ना चले आगे आगे चलते हैं आगे देखो और भी चीजें ठीक है बूट सेक्टर वायरस हो जाएगा अच्छा वायरस की फुल फॉर्म तो लिख लो इसी के साथ वायरस पढ़ रहे हैं तो उसकी फुल फॉर्म भी लिखते हैं सेक्टर वायरस इसमें देखो अगर मैं वायरस की बात करती हूं तो वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है कंप्यूटर के संदर्भ में V का मतलब होता है क्या वाइटल इंफॉर्मेशन वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज ये फुल फॉर्म होती है जब हम बात करते हैं वायरस की पहला वायरस विश्व का पहला वायरस कौन सा था तो इसका नाम था क्रीपर क्या नाम था क्रीपर बॉब थॉमस नाम के व्यक्ति के द्वारा इस वायरस को बनाया गया था क्लियर है और ये नेटवर्क पर फैलने वाला वायरस था उस टाइम पर आरपा आरपानेट नाम के नेटवर्क पर फैला आरपानेट की फुल फॉर्म लिखो? क्या लिखो आरपानेट क्या लिख लो आरपानेट की फुल फॉर्म होगी एडवांस्ड एडवांस्ड रिसर्च एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क क्या हो जाएगी फुल फॉर्म हो जाएगी किसकी आर्पन की क्लियर है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बताना है क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए कौन सा आंसर होगा इसका अच्छा ये मैंने कल थोड़ा बहुत बताया था आपको अगर याद हो हल्का हल्का याद हो ज़्यादा ज़्यादा याद हो बताना असेंबली भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है बताना है आपको क्या होगा इसका आंसर हां जी बिल्कुल बेनिफिशियल है तभी तो चलाई जा रही है क्लास नहीं आपको नहीं लगता चलो बताओ जरा फटाफट से क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर यहां पर क्या होगा बताना है फटाफट से क्या हो सकता है इसका आंसर तो असेंबली भाषा में किसका प्रयोग किया जाता है यहां पर अंग्रेजी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वर्ड लाइक इंग्लिश असेंबली भाषा बोला जाता है इसको निमोनिक भाषा असेंबली भाषा को निमोनिक भाषा भी बोला जाता है भाषा का मतलब होता है बड़े शब्दों के लिए छोटे शब्दों का प्रयोग करना बड़े शब्दों के लिए छोटे शब्दों का प्रयोग करना जैसे आपको कोई चीज जोड़नी है एडिशन करना है एडिशन करने के लिए हम एड का इस्तेमाल करते हैं आपको घटाना है सब्सट्रेक्शन करना है तो सब्सट्रेक्शन करने के लिए सब का इस्तेमाल किया जाता है और कंप्यूटर तो असेंबली भाषा जानेगा नहीं तो असेंबली भाषा को जब आप बाइनरी भाषा या मशीनी भाषा में चेंज करते हो तो इसके लिए किसकी मदद लेनी पड़ती है तो इसके लिए हम मदद लेते हैं असेंबलर की असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है या बोल सकते हो असेंबलर एक भाषा अनुवादक है लैंग्वेज कन्वर्टर है जिसका इस्तेमाल करके असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करते हैं एड को लिख सकते हैं जीरो वन 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 जीरो जीरो सब्सट्रैक्शन को लिखते हैं वन 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 जीरो 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 वन वन ठीक है तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है चले आगे क्लियर है ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर वॉट इज द फुली एल सी डी की फुल फॉर्म क्या होती है वॉट इज द फुली एल सी डी की फुल फॉर्म बतानी है क्या होगी क्या नहीं मैम संजय जी बोलो क्या हुआ अच्छा निधि जी साइज छोटा है दिख नहीं रहा है okay. चलो मैं एक मिनट बड़ा करती हूँ उसे कोई बात नहीं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं वेट अब दिख रहा है क्वेश्चन वो एक मूवी नहीं थी जिसमें वो बोलती है दिखा अब दिखा नहीं चलो क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं एल का पूरा नाम क्या है वॉट इज दुल ऑफ एल सी डी अब तो दिख रही होगी एल का नाम क्या होता है तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बिल्कुल सही होगा अब हम बात कर रहे हैं किसकी एल की एल के बारे में कुछ चीजें वो देख लेना एल किसका हिस्सा होता है तो एल मॉनिटर का हिस्सा होता है छोटा सा प्रारूप होता है ना पूरी चीजों का इसलिए क्वेश्चन एड करे मैंने मॉनिटर को एक और नाम से जाना जाता है किस नाम से डी यू की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट यू की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर तीन प्रकार के होते हैं एल सी आर टी वाले पहले आते थे जब खाते पीते घर के कंप्यूटर होते थे टीवी भी मोटे मोटे होते थे नहीं उसके बाद उन्होंने डाइटिंग शुरू कर दी मतलब बहुत सारी टेक्निक टेक्नोलॉजी आ गई फिर आपके एल वाले कंप्यूटर एल स्क्रीन के मॉनिटर आ गए है ना उसके बाद अब तो भाई लोगों को बिल्कुल भी आंखों पर जोर नहीं पड़ना चाहिए तो एल वाली स्क्रीन आ चुकी है ठीक है सी की फुल की हो जाती है कैथॉड रे ट्यूब रे ट्यूब इस ट्यूब की वजह से इसका साइज बड़ा होता था क्योंकि इस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक गन लगी रहती थी जो सफ़ेद रोशनी को बहुत सारे रंग पता है आपको दो रंगों में विभाजित कर सकते हैं सफेद रोशनी को एक मॉनिटर के ऊपर यह काम करती थी इसको डिवाइड करने का कौन इलेक्ट्रिक गन नाम था उसका ठीक है उसके बाद जब इनका साइज छोटा करने की बात की गई कि वे पतले पतले कंप्यूटर बनाओ देखने में सुंदर लगेंगे तो एलसीडी बनाई गई एलसीडी की फुल फॉर्म हो जाती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या हो जाती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यह दो स्क्रीन होती है जिसके अंदर बीच में तरल पदार्थ भरा जाता है जिसका काम होता है सफेद रोशनी को बहुत सारे रंगों में विभाजित करके रखने का इसके बाद आई एलईडी जिसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड लाइट एमिटिंग डायोड इसमें क्या होता है तो इसमें केवल थिन लेयर होती है एक पतली सी लेयर होती है उसी में आप रोशनी को रंग बिरंगी चीजों में कर सकते हो और ये लेयर तीन तीन पार्ट में डिवाइड होती है आर जी बी पहले रेड कलर की पन्नी लगी होगी फिर ग्रीन फिर ब्लू और फिर रोशनी बहुत ही अच्छे से दिखाई देती है बहुत क्लियरिटी दिखाई देती है एलईडी पर ठीक है अब इसमें एक और चीज ऐड करना अगर आपसे बोलता है टीवी में कौन सी एलईडी लगी होती है तो ओ एलईडी लगी होती है ओ की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनिक और एलईडी की फुल फॉर्म तो यही है लाइट एमिटिंग डायोड अगर आपसे पूछा जाए कि मोबाइल के अंदर कौन सी एलईडी लगी होती है तो मोबाइल फोन के अंदर एमोल्ड लगी होती है एमोल्ड ए का मतलब होता है एक्टिव एम का मतलब होता है मैट्रिक्स और ओ तो आपको पता ही है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड ये पूरी की पूरी डिटेल है जो पूछी जाएगी ठीक है क्लियर है चलो फिर आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लास्ट और आखिरी का क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव ये लास्ट रखेंगे इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर फाइव क्या दिया हुआ है कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं कंप्यूटर में जो सबसे ज्यादा एरर आती हैं, वो इनमें से किसकी वजह से आती हैं बताओ जरा कंप्यूटर में जो सबसे ज्यादा एरर आती हैं, वो इनमें से किसकी वजह से आती हैं? ऐप पर क्लास कब से होंगी तीन दिन का डैमो था कल हो चुका आज हो रहा है और कल और होगा फिर आपकी क्लासेस एप्लीकेशन पर चलेंगी और ये बैच ले लीजिएगा देखो अगर आप तैयारी करते हो ना किसी चीज़ की मैंने कल भी बताया था आपका एक लक्ष्य होना चाहिए और एक ही रास्ता होना चाहिए रास्ते पर चलो लक्ष्य को पालोगे ठीक है तो बैच स्टार्ट हो जाएगा परसों से फिर एप्लीकेशन पर चलेंगी इसलिए ज़रूर ले लीजिएगा और डेफिनेटली कूपन कोड जरूर लगाना अगर फिफ्टी डिस्काउंट चाहते हो तो है ना लगाना भाई सभी लोग प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आती है इस वजह से कंप्यूटर में त्रुटि पाई जाती है और प्रोग्राम के अंदर जो एरर आती है उसको क्या बोला जाता है उस गलती को बोलते हैं बग और बग बेसिकली होती हैं गलतियां जो प्रोग्राम में पाई जाती हैं अब उस गलती को ठीक करने के दो तरीके होते हैं एक होता है डी बगिंग डी बगिंग जो बिना इंटरनेट के किया जाता है इसका काम क्या होता है ये उस गलती को ढूंढेगा भी और फिर उस गलती को ठीक भी करेगा एक होता है इसके अंदर पैच तरीका गलती को ठीक करने का इस पैच ये ठीक करने के तरीके हैं ठीक है पैच इसमें इंटरनेट की मदद लेकर गलती को ठीक किया जाता है हम लोग अपडेट करते हैं ना फोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस वो पैच कहलाती है ठीक है इसका काम केवल गलती को ठीक करना होता है ये गलती को ढूंढती नहीं है ठीक है तो ये दो चीजें होती है मेस्ट मेस्ट मतलब मेन मेन इंपॉर्टेंट वाली लिख लिया चलो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स आप लोगों का यहां पर रहेगा होमवर्क जिसका आंसर आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर देना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर सिक्स आप लोगों का आज का रहने वाला है होमवर्क इसका आंसर आप सभी को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर देना है ठीक है चलो आशा है कि आज आपने कुछ कुछ किया बहुत कुछ नया तो सीखा ही होगा बिल्कुल यूजफुल रहेगी और मैं आपको बताती हूँ जब आप क्लास ले लेते हो ना और जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उससे रिलेटेड अपने जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ आपको खुद से विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई ये क्लास बेनिफिट है ठीक है इस क्लास से कुछ ना कुछ मुझे बेनिफिट होगा ओके चलो तो क्लास अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल भाई एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और जितने नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगेन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आपका बैच है आर ओ ए आर ओ का प्रखर बैच के नाम से तो आप इसको परचेज़ कर लीजिएगा क्योंकि परसों से क्लास वहीं पर होने वाली है क्लियर है आप इसको एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर जाकर कर मतलब डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर और वहाँ से इसको ऑनलाइन पेमेंट करके परचेज़ कर सकते हो नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हो सेवन टू सेवन टू जीरो टू जीरो टू सेवन सिक्स पर या व्हाट्सएप पे भी आप हमें डिटेल्स छोड़ सकते हो जो जानकारी चाहिए किस पर एट डबल फोर एट जीरो वन जीरो टू फोर फाइव पर ठीक है चलिए तो इसी के साथ करते हैं अपनी क्लास को यहाँ पर एंड चलिए तो मिलते हैं कल अपने टाइम पर ठीक सुबह दस बजे और बेहतरीन क्वेश्चन और एक नए चैप्टर के साथ तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए अपना अपने घवालों का ख्याल रखिए जय हिंद जय भारत आप भी की परीक्षा को क्वालिफाई करके एक सम्मानित जीवन जीने का सपना देख रहे हैं तो अब देर बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि आई एस पी सी एस बाई इपुर और एग्जामपुर आर ओ आर ओ की परीक्षा के लिए आर पार का बैच प्रखर बैच लेकर आया है जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा तो देर बिल्कुल मत कीजिए आज ही आप डाउनलोड कीजिए एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप और आर ए फाइव जीरो के कूपन का प्रयोग कर कर शुल्क में पाइए पचास प्रतिशत की छूट और किसी भी अन्य जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पे आप संपर्क कीजिए धन्यवाद जय